जी तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ एक और इसका सेकंड स्टेशन है जो कि एक और जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है, पीकेस्ट पॉइंट है, तो चलते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको क्या उसके मनाजिर हैं। क्योंकि मुझे इन्होंने ये बताया कि वो जो टॉपेस्ट प्लेस है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो मैं उसका टेम्परेचर भी नोट करूँगा और आपको बताऊँगा कि उसका टेम्परेचर है क्या। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए और उस टॉप पॉइंट से व्यू कैसा दिखता है, क्योंकि वो बादलों से भी ऊपर है। तो आइए चलते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बनाया है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं नीचे से, तो सिटिंग अरेंजमेंट और जो जो मैंने आपको दिखाया कि जंगलात और बारबेक्यू, इसके अलावा इन्होंने एडवेंचर के हवाले से भी बनाया, जिसमें अगर आप चाहें तो जिपर और रोप और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं वहाँ पर, वो आप कर सकते हैं। इंक्लाइन भी है, सब कुछ है वहाँ पर, तो वो भी था। उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेशन पर हम जा रहे हैं, तो वही चीज़ सारा कुछ दिख रहा है नीचे से, जहाँ पर मैं अभी होकर आया हूँ वो सारी जगह। तो आगे देखते हैं, क्योंकि मंजर तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है मुझे आगे से, अगर मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं। वाह, ये सारी वो जगह है जहां से मैं नीचे से होकर आया हूं, और ये है हम लोग जा रहे हैं अपने टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेशन। अच्छा, अभी पीक पॉइंट पर पहुंचे नहीं है, तो मुझे इतनी ठंड लग रही है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं इस केबल कार के अंदर ये विंडोज हैं, और इन्होंने विंडोज भी खोल कर रखी हैं। मैं इसको बंद करूं क्योंकि इससे सारी ठंडी हवा आ रही है अंदर, और ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको 360 व्यू दिखा सकूं इसका, ये वो जगह है जहां से हम लोग आ रहे हैं, और ये है वो जगह जिसे मैं मुस्तकिल कैप्चर किया जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह, और देख सकते हैं आप, दिस इज़ द पीकेस्ट पॉइंट, ये सबसे ऊंची जगह है। और ये ओलुजा, ये बकायदा पूरा एक इन्होंने छोटा सा शहर बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, और ये पीछे आप घर देख सकते हैं, कुछ घर हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ वेयर हाउसेज हैं, और इसके अलावा काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ के, लोग भी नज़र आ रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल, इतनी टॉपेस्ट प्लेस के ऊपर भी लोग हैं और इतनी ठंडी जगह, वाओ। आ गया हूँ भाई इसके टॉपेस्ट पॉइंट पर, उफ यहाँ तो कुल्फी जम रही है। अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम रहा तो मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। उफ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी गलती हो गई गाइस कि मैं जैकेट नहीं लेकर आया। ऊपर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा शदीद ठंड है। तो मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स होटल, तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट तो नहीं कह सकता, फेरी है। होटल से बैग उठाना है, और बैग उठाने के बाद फिर मैंने जाना है इस्तांबुल, बुर्सा से इस्तांबुल विया फेरी। तो बस अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा इतनी ठंड को। तो फिर आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन अभी मैं जाता हूँ फ़िलहाल नीचे डाउनस्टेयर, और वहाँ से फिर मुझे मिलेगी केबल कार, और फिर मैं नीचे जाता हूँ टहलकर। कहने का मकसद ये था आप लोगों से कि जब आप आएँ तो ज़रूर गर्म कपड़े और कुछ लेकर आइएगा, ग्लव्स भी, हैंड्स भी फ्रीज़ हो रहे हैं,
5 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर ऊपर का टेम्परेचर। उफ, चलिए ये एग्जिट देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं जा रहा हूँ अंदर। ये यहाँ की स्पेशल आप कह सकते हैं ड्रिंक है हलब, और बहुत मज़े की है। इसका आपको अगर मैं समझा सकूँ, अगर आप में से किसी ने कश्मीरी चाय पी हो वो कुछ हद तक वैसी है। कश्मीरी चाय है और बहुत गाढ़ी है, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं हलब। और इस वक्त जितनी मुझे ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से ये एक साहब इन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैंने टेस्ट किया और मुझे पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस गाइस वापस जा रहा हूँ और अपनी केबल कार में दोबारा से बैठता हूँ। ये है मेरे पीछे, लेकिन ये एक और आ रही है। व्यू भी इंजॉय करते जाऊँगा और हेल्प भी पीता जाऊँगा। वाओ, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि केबल कार के अंदर भी आप खा पी सकते हैं एनीथिंग यू लाइक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये भी सुन के। आइए अंदर चले। लीजिए जनाब, आ गया मैं केबल कार के। ये इसकी पूरी 20 मिनट्स की जर्नी है फ्रॉम ग्राउंड टिल टॉप, और फिर वापस अगर आपने आना है तो फ्रॉम टॉप until ground, 20 minutes jana aur 20 minutes aana, one of the best life ka experience hai ye. Wow. बाहर आ गया हूँ टेलीफेरिक से और अब जा रहा हूँ सेम बस ढूंढने के लिए, और जो मैंने बस के नाम आपको बताए थे पिछली वीडियो में, तो उन्हीं बसों में से किसी एक बस में बैठ के मैं अपने होटल जाऊँगा, और होटल से मुझे अपना बैग उठाना है और फिर मुझे इस्तांबुल की तरफ जाना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टेलीफेरिक का, बहुत मज़ा आया। गाइस जिस वक्त मैं अवेलेबल हूँ बुरसा की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ओलू जामी, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, ख़ूबसूरत मस्जिद है, बहुत अच्छी इसके अंदर लिखावट हुई है अरबी की और तुर्किश ज़बान के अंदर। तो बस मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। सुना है कि इस मस्जिद के बीच में वज़ू खाना है, वज़ू खाने से आप वज़ू करें और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ें। मैंने आज तक जितनी मस्जिद देखी है वज़ू खाना सबका मस्जिद के बाहर होता है, पहला वज़ू खाना है जो मस्जिद के अंदर। जाकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं मस्जिद का। सुना है बहुत खूबसूरत मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है ये इस शहर की।